नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशु गुप्ता। आइए करते खबरों की शुरुआत। सबसे पहले एक नजर डालते आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज, प्लॉट आसान मासिक किस्तों पर। नौगछिया में चौकी ठीक करने गए बढ़ई मिस्त्री को दोस्त ने मारी गोली, मौके पर हुई मौत, दो आरोपी गिरफ्तार। कहलगांव में हीरो होंडा शोरूम में डकैती की घटना को अंजाम देने पहुंचे तीन अपराधी गिरफ्तार, हथियार हुआ बरामद। पीरपैंती के टपुआ दियारा में कटाव का कहर जारी, गंगा में समाया सामुदायिक भवन, ग्रामीणों में दहशत। भागलपुर सांसद अजय मंडल ने स्मार्ट क्लास का किया शुभारंभ, छात्रों ने स्कूल में मूलभूत समस्याओं से कराया अवगत। और दिव्यांग छात्र ने IRPM के विभागाध्यक्ष पर दुर्व्यवहार करने का लगाया आरोप, विश्वविद्यालय प्रशासन से लगाई न्याय की गुहार। और अब खबरें विस्तार से। नौगछिया के बीपुर थाना क्षेत्र बम काली मंदिर के समीप चौकी ठीक करने गए बढ़ई मिस्त्री संतोष शर्मा की गोली मारकर हत्या दोस्तों ने ही कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मनीष शर्मा फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल मनीष शर्मा और राहुल को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक बढ़ई मिस्त्री की पहचान बीपुर निवासी बाबूलाल मंडल के पुत्र संतोष मंडल के रूप में हुई है। घटना को लेकर नौगछिया SP निधि रानी ने बताया कि बीपुर के विनय शर्मा के घर की चौकी टूट गई, जिसको ठीक करने के लिए संतोष मंडल को बुलाया गया था। वहां पहले से ही मृतक संतोष मंडल का दोस्त मनीष शर्मा और राहुल मौजूद था। SP ने कहा कि मनीष शर्मा के पास हथियार था, जिसको दोस्तों के द्वारा देखने या चलाने के दौरान गोली संतोष मंडल को लग गई, जिसमें उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। SP ने कहा कि विनय शर्मा से घटना के संबंध में पूछताछ की जा रही है। फिलहाल बीपुर पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना क्षेत्र अंतर्गत आज जो है लगभग 12 बजे के लगभग में एक संतोष मंडल नाम के युवक है, उनको गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई है। जो इसमें अभी तक बात सामने आ रही है कि मनीष शर्मा, राहुल और संतोष, ये तीनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छी इन लोगों की दोस्ती है। और एक बीहपुर गांव में ही विनय शर्मा है, उसके घर में चौकी टूट गई थी, तो चौकी को जो है ठीक करने का काम करने मनीष शर्मा वहां पे आया था, क्योंकि मनीष शर्मा खुद एक बढ़ई का काम करता है। और चूंकि तीनों दोस्त हैं, ये जो राहुल है, जो मनीष है और संतोष है, तो ये लोग भी उसके पास में आ गए थे, अपने दोस्त के पास में। तो जो घटनाक्रम जो बताया जा रहा है, जो आई विटनेस हैं, जो विनय शर्मा है या जो राहुल अभी हिरासत में है, उनके द्वारा जो बताया जा रहा है, उसको डिटेन किया है पुलिस ने अभी, उनके द्वारा बताया जा रहा है कि कोई आपसी कोई विवाद नहीं था, नॉर्मल ये लोग बातचीत कर रहे थे। और ऐसा लग रहा है कि शायद मनीष शर्मा अपने पास हथियार रखता था और शायद वो इन लोगों को आपस में ये लोग दिखा रहे थे हथियार को, तो गलती से लगा है। मतलब जैसा कि राहुल के द्वारा बताया जा रहा है और विनय के द्वारा भी बताया जा रहा है, जिसके घर में ये घटना घटी है, जिसकी की चौकी लोग ठीक करने आया था, जो मनीष शर्मा जो बढ़े का काम करता है। तो अभी तक इसमें यही बात सामने आई है कि कोई विवाद इन लोगों का नहीं है, आपस में दोस्त हैं, और शायद उसमें ही मतलब हथियार ये इनके पास में एक था और उसको देखने या चलाने के क्रम में ये गलती से गोली लगी है, जिसमें कि जो संतोष मंडल है उनकी मृत्यु हो गई है। इसमें जो घटना के समय पे वहाँ पे विनय शर्मा थे और एक राहुल नाम का लड़का था, तो राहुल और विनय दोनों से ही हमने पूछताछ किया है, तो यही सब घटनाक्रम उसमें पता चला है। और मनीष शर्मा के विरुद्ध में भी अभी छापेमारी चल रही है, जल्दी ही उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कहलगांव में डकैती की योजना बना रहे तीन सातिर अपराधियों को पुलिस ने हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। भागलपुर SSP आशीष भारती ने कहलगांव थाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले की जानकारी दी। SSP ने कहा कि कहलगांव SDPO को गुप्त सूचना मिली थी कि तीन सातिर अपराधी हीरो होंडा शोरूम में डकैती की घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, जिसके बाद SDPO रेणु कृष्ण के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। टीम में शामिल पुलिस कर्मियों ने तकनीकी अनुसंधान के जरिए छापेमारी कर काजीपुरा निवासी मोहम्मद छोटू, मोहम्मद चांद और पठानपुरा निवासी मोहम्मद सलमान को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए अपराधियों के पास से पुलिस ने 3 देसी कट्टा और 5 जिंदा कारतूस बरामद किया है। SSP ने कहा कि अपराधियों का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। 20-21 की रात्रि को, 20-21 अगस्त की रात्रि में पुलिस को यह सूचना मिली कि कई अपराधकर्मी कहलगांव के हीरो होंडा शोरूम के पास इकट्ठा होकर के आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। इस सूचना के सत्यापन तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए SDPO कहलगांव के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसके द्वारा वहां पर जब छापेमारी की गई
तो तीन अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है जिनके नाम है मोहम्मद छोटू, मोहम्मद सलमान और मोहम्मद जान। इनके पास से 3 देसी कट्टा और 5 गोली बरामद किया गया। कुछ अन्य इनके सहयोगी भागने में सफल रहे हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। इस तरीके से एक बड़ी घटना को करने से पहले ही भागलपुर पुलिस के द्वारा उसको अपराधियों की गिरफ्तारी कर ली गई। कहलगांव अनुमंडल के कटाव प्रभावित टपुआ दियारा में कटाव का खतरा बढ़ गया है। गंगा नदी के उफान ने मंगलवार को सामुदायिक भवन को अपनी आगोश में समा लिया। इसके अलावा भी कई घर गंगा में हो रहे कटाव की भेंट चढ़ गया। गंगा का पानी तेजी से गांव की ओर बढ़ रहा है जिससे ग्रामीण दहशत में है। सामुदायिक भवन को बचाने के लिए ग्रामीण एवं कटाव निरोधी कार्य करा रही एजेंसी ने काफी मेहनत की लेकिन इसे बचाया नहीं जा सका। देखते ही देखते 30 फीट लंबा सामुदायिक भवन गंगा के गर्भ में समा गया। ग्रामीण सुबोध यादव, सुनील सौरभ, जवाहर सिंह ने बताया कि सामुदायिक भवन में ग्रामीण सामूहिक निर्णय एवं समाज उत्थान के लिए बैठक करते थे लेकिन सामुदायिक भवन का अस्तित्व समाप्त हो जाने से ग्रामीण मायूस हो गए। टपुआ दियारा में कटाव के कारण ग्रामीण रत जगा करने को विवश है। ग्रामीणों ने सरकार से दियारा इलाके में हो रहे कटाव को लेकर ठोस कदम उठाने की मांग की है। भागलपुर के नाथनगर रतिपुर बेरिया पंचायत के उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय में उन्नयन बिहार योजना के तहत बुधवार को स्मार्ट क्लास का शुभारंभ हुआ जिसका उद्घाटन भागलपुर सांसद अजय मंडल ने फीता काटकर किया। इस दौरान सांसद ने छात्र छात्राओं को डिजिटल तरीके से शिक्षा ग्रहण करने की बात कही। वहीं सांसद ने स्कूल में मौजूद छात्र छात्राओं से कई सवाल भी पूछे जिसके बाद छात्राओं ने स्कूल में मूलभूत समस्याओं से सांसद को अवगत कराया। वहीं सांसद ने जल्द सारी सुविधाएं मुहैया कराने की बात कही। इससे पूर्व विद्यालय के प्रधानाचार्य मनोज मंडल ने सांसद का बुके देकर स्वागत किया। इस मौके पर विद्यालय के शिक्षक और छात्र छात्राएं मौजूद थे। स्मार्ट क्लास में यहां टीचर के द्वारा कंप्यूटर से स्क्रीन पर पढ़ाई होगा, इससे क्या होगा, बच्चे में एक उत्साह जगेगा और वो इसके जो चीज़ को ब्लैक बोर्ड पर लिख करके बताया जाता था उसमें उसका तस्वीर बनाना बड़ा मुश्किल है। अगर किसी वृक्ष के विषय में अगर बताया जाएगा तो आम का पेड़ कैसा है, कब उनका पौधा होता है, उनके रोप लगाने से फल तक देने में वो वृक्ष के साथ उनको जब बताया जाएगा तो उस बच्चे में जो जानकारी देख करके बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे सिर्फ इसके साथ आप मान सकते हैं कि प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों हो जाएगा उनका। इन दिनों तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में छात्रों को तरह तरह से परेशान किया जा रहा है। कभी अंक पत्र में सुधार करवाने तो कभी सर्टिफिकेट के नाम पर छात्रों को दौड़ाया जा रहा है। पिछले दिनों TNB लॉ कॉलेज में एक्सपेल्ड के नाम पर छात्रा से शोषण के प्रयास का मामला भी काफी चर्चित रहा है। वहीं ताजा मामला PGIRPM विभाग का है जहां दिव्यांग छात्र सरोज कुमार को रिसर्च मेथोडोलॉजी का सर्टिफिकेट लेने के लिए प्रतिदिन विभाग का चक्कर लगाना पड़ रहा है। शोधार्थी छात्र सरोज ने इसकी लिखित शिकायत विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति प्रोफेसर रामेतन प्रसाद से की है। प्रति कुलपति को दिए गए आवेदन में छात्र ने विभागाध्यक्ष डॉक्टर SD झा पर कई आरोप लगाए। वहीं बुधवार को छात्र ने प्रति कुलपति और DSW डॉक्टर योगेंद्र महतो से मुलाकात कर पूरे मामले की जानकारी दी। छात्र सरोज ने कहा कि 20 अगस्त को जब विभाग में वह अपनी समस्या लेकर गया तो विभागाध्यक्ष डॉक्टर SD झा ने उसके साथ अभद्र व्यवहार किया और सर्टिफिकेट नहीं देने की बात कही, जबकि छात्र आकाश कुमार ने विभाग के हेड पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए बिना अंकित किए प्रमाण पत्र देने की बात कही। कल जब मैं उनसे अपनी समस्या सुनाने के लिए उनके पास पहुंचा तो उन्होंने सबसे पहले मेरे साथ बहुत बदसलूकी की और उसके बाद मुझे जो है धक्का देकर चैम्बर से उसे निकालने का प्रयास किया। साथ ही साथ उन्होंने मुझे कहा हम तुमको देख लेंगे और तुमको PhD तुम कैसे करते हो ये भी हम समझे। मामला ये है क्या हम लोगों का 2018 रिसर्च मेथोडोलॉजी के क्लास में हम लोग एडमिशन लिए थे जिसका प्रमाण पत्र आज तक हम लोगों को प्राप्त नहीं हुआ है। हम लोग बार बार उनसे आग्रह करते रहे सर ये प्रमाण पत्र दीजिए तो उन्होंने आज तक हम लोगों को प्रमाण पत्र नहीं दिया है जिससे हम लोगों को PhD में एडमिशन लेने में परेशानी आ रही है। सर्टिफिकेट अभी तक रिसर्च मेथोडोलॉजी का दिया नहीं गया जिससे हम लोग का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है। विद्यार्थी की बैठक जो थी वो भी समाप्त हो गई है और अभी तक जो सर्टिफिकेट दिया भी गया है तो उसमें सिर्फ साइन है और उसमें डेट नहीं दिया जा रहा है।
मामले को लेकर जब सोशल साइंस के डीन डॉक्टर बीके शर्मा से बात की गई तो उन्होंने गोल मटोल जवाब दिया। वहीं आईआरपीएम के विभागाध्यक्ष डॉक्टर एसडी झा ने कैमरे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। साथ ही छात्र द्वारा लगाए गए सभी आरोप को बेबुनियाद और निराधार बताया। अब देखना दिलचस्प होगा कि विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों द्वारा की गई शिकायत पर क्या निर्णय लेता है। नहीं मिल पाया तो उसके लिए विभाग समझे, विभाग मेथोलॉजी का कोर्स सर्टिफिकेट दिया जाता है, विभाग कहे उसमें दस्तखत करेंगे, दस्तखत करें फिर आगे जिनको करना है जिनको करना है करेंगे, तो जिस दिन आता है या आवे उसी दिन चला जाएगा, खुद लोग आते हैं ले जाते हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए सिल्क टीवी। ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए लेकर आए हैं प्लॉट्स आसान मासिक किस्तों पर। स्टेट हाईवे के पास गोनूधाम और जगदीशपुर में 14,000 और 18,000 की आसान किस्तों पर। ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज सिकंदरपुर नियर पानी टैंकी भागलपुर। मोबाइल नंबर 7079446584 8430075573। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त भागलपुर जिले का प्रतिष्ठित ताड़र महाविद्यालय ताड़र में सत्र 2019-20 के लिए कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स में नामांकन जारी है। आज के इस अत्याधुनिक युग में कंप्यूटर की जानकारी विशेषकर छात्रों में रोजगार परक साबित हो रही है। इस कोर्स में बेसिक कंप्यूटर कंसेप्ट, एमएस ऑफिस, वर्ड प्रोसेसिंग, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट शामिल है। नित नई सफलता प्राप्त कर रहे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह द्वारा छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए महाविद्यालय में अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, सुसज्जित पुस्तकालय एवं एक्सपर्ट शिक्षकों की संपूर्ण व्यवस्था की गई है, जो छात्रों को संबंधित कोर्स में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सके। इच्छुक छात्र छात्राएं 25 जुलाई से महाविद्यालय से नामांकन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं या मोबाइल नंबर 9431689547 या 7979051039 पर संपर्क कर सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, आप देख रहे सिल्क टीवी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। मोकामा विधायक अनंत सिंह के समर्थन में बुधवार को सवर्ण सेना के कार्यकर्ताओं ने भागलपुर के रानी लक्ष्मीबाई चौक पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री और सांसद ललन सिंह के विरोध में जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने कहा कि नीतीश सरकार सवर्ण विरोधी है और ललन सिंह के इशारे पर झूठा आरोप लगाकर अनंत सिंह को परेशान किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि अनंत सिंह के ऊपर लगे आरोपों की जाँच सीबीआई से कराई जाए, नहीं तो सड़क से लेकर सदन तक सेना के कार्यकर्ता आंदोलन को तेज करेगा। सुल्तानगंज में राजद के विधानसभा स्तरीय सदस्यता अभियान का शुभारंभ बुधवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री जय प्रकाश नारायण यादव ने किया। इस दौरान 200 से अधिक लोगों ने राजद की सदस्यता ग्रहण की। पार्टी नेताओं ने भी राजद की सदस्यता ग्रहण की। सदस्यता अभियान के दौरान प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद मेराज, पूर्व सांसद प्रतिनिधि अरविंद यादव, प्रखंड प्रधान सचिव सह मुखिया संजीव सुमन, पूर्व विधायक फणीन्द्र चौधरी, राहुल राय समेत काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। पत्रकारों से बातचीत में पूर्व सांसद ने कहा कि राजद ने कभी अपने सिद्धांत से समझौता नहीं किया है। बुधवार को सुल्तानगंज में राजद नेता सह पूर्व केंद्रीय मंत्री जय प्रकाश नारायण यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी के सदस्यता अभियान की जानकारी पत्रकारों को दी। पूर्व सांसद ने कहा कि प्रखंड, जिला एवं राज्य स्तर पर राजद की नई कार्यकारिणी का गठन होगा। इससे पूर्व सदस्यता अभियान के जरिए आमजनों को पार्टी से जोड़ा जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग पार्टी से जुड़कर तेजस्वी यादव के हाथ को मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि विपरीत दिशा की हवा में 2014 और 2019 में हमें सत्ता से बेदखल कर दिया गया, लेकिन आने वाला समय हमारा है और देश की जनता उन बेरुपियों को भली भांति पहचान चुकी है। इस दौरान राजद प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद मेराज, अरविंद यादव समेत काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। राष्ट्रीय जनता दल सदस्यता अभियान का प्रारंभ राष्ट्रीय कार्यकारिणी के निर्णय के मुताबिक और दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद जी के निर्देश के आधार 9 अगस्त जो क्रांति दिवस है, शहादत का दिवस है, ऐतिहासिक दिवस है, पूरे देश में प्रदेश में नीचे की इकाई यानी बूथ लेवल से लेकर के पंचायतों,
प्रखंडों जिला स्तर होते हुए चारों तरफ राष्ट्रीय जनता दल का सदस्यता अभियान बड़े उत्साह के साथ जो है चलाया जा रहा है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर भूगोल विभाग में अब आपको चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आएगी। इसको लेकर विभागाध्यक्ष डॉक्टर शरद चंद्र ने कवायद तेज कर दी है। हरियाली बढ़ाने को लेकर बुधवार को विभाग के हेड ने जिला वन पदाधिकारी को पत्र लिखकर विज्ञान परिसर में वृक्षारोपण करने की बात कही है। DFO को दिए गए पत्र में कहा गया कि PG भूगोल विभाग की परिसीमा के अंतर्गत खाली जमीन पर वृक्षारोपण की योजना है। वहीं डॉक्टर शरद चंद्र ने बताया कि हर परिसर हरा परिसर और स्वस्थ पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए प्रमंडलीय वन पदाधिकारी से विभाग में वृक्ष लगाने की मांग की गई है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय प्रशासन ने पार्ट 2 परीक्षा 2019 के साइंस संकाय का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस बार करीब 4000 छात्रों का रिजल्ट प्रकाशित किया गया है। छात्र विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर रिजल्ट देख सकते हैं। वहीं प्रति कुलपति प्रोफेसर रामेतन प्रसाद ने बताया कि जल्द ही पार्ट 3 परीक्षा का रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा। सनहौला प्रखंड में धान रोपाई का जायजा लेने बुधवार को प्रखंड कृषि पदाधिकारी विनय कुमार शंकर ने सिलहन, खजुरिया, बेलडीहा और सनोखर के किसानों से पंचायतवार रिपोर्ट प्राप्त किया। इस दौरान किसानों को BAO ने मानधन योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। BAO ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना का लाभ उठाकर किसान समृद्ध हो सकते हैं। वहीं BAO ने बिना लाइसेंस चल रहे खाद दुकानों की भी जाँच की। एक तरफ भागलपुर की जनता प्रतिदिन बिजली समस्या से जूझ रही है तो दूसरी तरफ बिजली कंपनी की लापरवाही के कारण पावर ट्रांसफार्मर धूल फांक रहा है। दरअसल एक माह पूर्व सिविल सर्जन सब स्टेशन में 10 MVA का पावर ट्रांसफार्मर लाया गया था, लेकिन बिजली विभाग की सुस्त कार्यशैली के कारण अभी तक ट्रांसफार्मर नहीं लग पाया है। वहीं पावर ट्रांसफार्मर लग जाने के बाद बरहरपुरा, भिकनपुर के उपभोक्ताओं को ओवरलोड की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। साथ ही CS केंद्र से जुड़े लोगों को प्रतिदिन होने वाले बिजली कट के झंझट से भी मुक्ति मिल जाएगी। गोड्डा के हनवाड़ा थाना क्षेत्र में पोल से बिजली तार जोड़ने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे से भिड़ गए। इस घटना में दोनों पक्षों के करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। इसी दौरान बुधवार की सुबह मोहम्मद मकसूद के घर के समीप लगे बिजली के खंभे से शहबाज आलम तार जोड़ने गया, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। ऐसे हुआ कि हमारा मकान है, 3 साल से रुकवाया, केस चल रहा है उसका। वो आज तार जोड़ने लगा, मैं कहें जब तक फसला नहीं होगा तार का ही जोड़िएगा। हमारा घर रुका है, घर जब तक नहीं बनेगा आप तार का ही पार होने देंगे। जब फसला जो होगा वही जबरन वो लोग मार करने लगे। यह भी घर में कोई भी नहीं था, इसलिए कि वहाँ पर एक अभी लाइट का प्रॉब्लम नहीं दे गया है, ठीक है, नहीं दे गया लाइट का। तो वहाँ से जैसे कि खंभा से लाइट लिया जाता है, तो इनका कहना का मतलब है कि वहाँ जिस जगह पर जमीन है हमारी है, उस जगह पर ये बलजबरी खंभा लगाकर वो अपना तार खींच रहे। कह रहा हमने उनसे ये कागज, अगर तुम्हारे पास अगर ओरिजिनल कागज है हमें दिखाइए और वहाँ से तार खींच लीजिए। कहने हम ये सब हम तुम देखने वाले कौन, हम नहीं दिखाएंगे, हम डायरेक्ट यहाँ से करें, क्योंकि ये लोग है अगर 20 या 25 उससे कोई यह नहीं है। घटना सर ऐसे हुआ है, जैसे हम लोग दो महीने से लगभग हमारे घर में लाइट नहीं आ रहा, बिजली बिल लग रहा है। तो हम लोग पहले से जैसे जला रहे थे उधर से हम लोग को मना कर दिया, तो हम लोग फिर सोचे जैसे था वैसे करेंगे। तो ऐसे करने में ये लोग ने हमको एक बार पहले भी, हम अकेले कर रहे थे तो हमको मारपीट करके, हम छोटा थे तो हम मान गए, घर में कोई नहीं था। तो अभी हम सब ऐसे आए तो वहाँ से तार ले रहे थे पोल से, तो ये आने नहीं देता है। नीचे इसका घर है, बोल रहा है हम घर उठाएंगे। हमने कहा कि आप घर उठाओगे हम तार हटा लेंगे, तो इसी बात में कह रहा नहीं हम आपको कहने नहीं जाएंगे ऐसे नहीं। और ये लेटा हुआ है तो ये कहीं गए थे, इसको फोन करके बुलाया गया या आके बस लाठी चालू कर दिया। चलते चलते फिर से एक नजर डालते आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज प्लॉट आसान मासिक किस्तों पर। नौगछिया में चौकी ठीक करने गए बढ़ई मिस्त्री को दोस्त ने मारी गोली, मौके पर हुई मौत, दो आरोपी गिरफ्तार। कहलगांव में हीरो होंडा शोरूम में डकैती की घटना को अंजाम देने पहुंचे 3 अपराधी गिरफ्तार, हथियार हुआ बरामद। पीरपैंती के टपुआ दियारा में कटाव का कहर जारी, गंगा में समाया सामुदायिक भवन, ग्रामीणों में दहशत।
भागलपुर सांसद अजय मंडल ने स्मार्ट क्लास का किया शुभारंभ। छात्रों ने स्कूल में मूलभूत समस्याओं से कराया अवगत। और दिव्यांग छात्र ने आईआरपीएम के विभागाध्यक्ष पर दुर्व्यवहार करने का लगाया आरोप। विश्वविद्यालय प्रशासन से लगाई न्याय की गुहार। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।